अब तक उर्दू इमला के मुँह में बिगाड़ के सिलसिले में 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। मुझे दोस्तों की फ़ोन कॉल्स और कसरत से पैगामात मिले जिसमें उन्होंने यह हुक्म दिया कि ये सिलसिला जारी रखना चाहिए और घबराना नहीं है, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजेगा। ये उनकी दुआएं थी। मैं आप सबकी हौसला अफजाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। आप ही के फरमाइश पर अब मैं उर्दू तलफ़ुज़ के बिगाड़ की इस्लाह के सिलसिले का पहला प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को ना सिर्फ पसंद करें, आप इसे आगे भी फैलाएं ताकि हम अपनी कौमी खिदमत का हक अदा कर सकें। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ये भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाह करें, देर मत करें। और साथ ही अलामत नाकूस यानी वो घंटी जो है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों और बच्चों, तलफ़ुज़ का मसला जो है वो इमला से भी बहुत बड़ा मसला है। मुझ समेत बेशतर अफराद एक ही जुमले में कई कई गलतियां और कोताहियां कर गुजरते हैं। उर्दू तलफ़ुज़ के बिगाड़ में बहुत से अवामिल पोशीदा हैं। सबसे पहले तो ये हमारा ज़रिया इब्लाग जिसे आप मीडिया कहते हैं, और दूसरे हमारी फिल्म इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर बॉलीवुड जिसे आप कहते हैं भारतीय और नाम निहाद लालीवुड भी है यानी पाकिस्तानी फिल्में भी हैं जिन्हें देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ जिसकी वजह से हमारा तलफ़ुज़ बिगड़ता है वो हमारी कम इल्मी भी है, ला इल्मी भी है, कोताहियां हैं और बेपरवाहियां हैं। हम बाकी चीज़ों पर बहुत तवज्जो देते हैं, गौर करते हैं, लेकिन ज़बान को इतनी अहमियत। तीसरा हमारा माहौल है और मकामी लब लहजा है। यहाँ याद रखें कि भारत या पाकिस्तान मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के जो मकामी रंग हैं वो ज़बानों में आ जाते हैं। जैसे पंजाब पाकिस्तान में पंजाब है, पंजाबी रंग आता है, सिंधी आता है, बलोची आता है, पख्तून आता है, बल्ती आता है, कश्मीरी आता है, गिलगित्ती आता है, इस तरह और बहुत से रंग हैं जो कि हमारी ज़बानों में नमाया हैं। तो उनके बोलने से तलफ़ुज़ में भी तब्दीली रूनमा होती है, इसलिए लफ्ज़ की दुरुस्त अदाई के लिए, यहाँ पर मैं अदायगी नहीं कह रहा क्योंकि ये लफ्ज़ खिलाफे उसूल बना है, तो अदाई के लिए इस ज़बान के तलफ़ुज़ को माख़ज़ समझा जाता है जिस ज़बान का वो हकीकत में लफ्ज़ होता है। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि उर्दू में बेशुमार अरबी, फ़ारसी और कुछ दीगर ज़बानों के अल्फाज हैं जिनमें तुर्की भी है, इबरानी मुख्तलिफ ज़बानें हैं, हिंदी है। हिंदी तो खैर बना ही उर्दू से है, लेकिन यहाँ पर की जो मकामी उस ज़माने की जो ज़बानें हैं उनका रंग यहाँ पर नमाया है। बाज़ुकात हमारा तलफ़ुज़ जो है वो किसी लिसानी नुक्ता नज़र की पैरवी या सेहत ज़बान के बारे में हमारे मखसूस जाविये नज़र का नतीजा नहीं होता बल्कि महज हमारी ला इल्मी का कमास होता है। हम लोगों की बात ही छोड़ें, हत्ता कि कई मदरसीन और मुअल्लिमीन ने उर्दू को भी नहीं मालूम कि इमला और तलफ़ुज़ में भी कुछ फ़र्क होता है। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आ गया कि बैनुल इक़वाम कुलियाती तकरीरी मुकाबला था, ये कैडेट कॉलेज, ये स्काउट कैडेट कॉलेज बटरासी में।
उर्दू ज़बान का जो मरहला ख़त्म हुआ यानी कि उर्दू तकारीर का, तो एक साहब मेरे पास आए जो एक और कैडेट कॉलेज से आए थे, मैं तो जानता हूँ लेकिन यहाँ क्या नाम लेना किसी कॉलेज का, खान थे, पख्तून थे, आकर फरमाने लगे कहियारा आपके बच्चे की तो इंगला की बड़ी हालतियाँ थी। मैंने कहा क्या आपने तकरीर पढ़ी है? बोले यार सुनी तो है ना। मैंने पूछा तो सुनकर आपको इमला की गलतियों का अंदाजा कैसे हुआ? इसे आप इमला की नहीं तलफ़ुज़ की गलती कहिए। वो बजाय शर्मिंदा होने के बोले एक ही बात है, कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो। मैंने कहा मसलन आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी गलती थी। बोले ये रहा गर्ज को गरज बोलता रहा, मर्ज को मरज बोलता रहा, और हकूमत को हुकूमत कहता था, और असूल को उसूल बोलता रहा। बहुत से अल्फाज है ये, तब मैं क्या कहता? तो उर्दू में जिन अल्फाज का गलत तलफ़ुज़ आम तौर पर देखने में आता है उनमें से चंद तो आगे आएंगे, लेकिन मैं अब एक तरतीब से आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहले हम दो हरफी अल्फाज की तरफ चलते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है हज उठाना, तो इसे आमतौर पर हिज उठाना बोला जाता है, लिखा जाता है, लुत्फ उठाना जिसका मतलब है। तो ये लफ्ज़ हिज नहीं हज है, हा और ज़ोए हज, महजूज होना इसी से है। अक्सर लोग तो महजूज होना को भी महफूज होना लिख देते हैं कि मैं उससे बहुत महफूज हुआ, ये महजूज हुआ यानी कि हज उठाई। इसी तरह एक लफ्ज़ है धत। अच्छा, बहुत से उर्दू के अल्फाज हैं जो लिखे तो एक ही जैसे जाते हैं, लेकिन उनमें चूंकि जेर जबर पेश का फ़र्क होता है इसलिए इस फर्क से उनके मानी बदल जाते हैं। तो यहाँ बहुत से अल्फाज हैं, धत और धुत अलग से दो अल्फाज हैं। कई बार लोग धत की जगह धुत बोल देते हैं, धुत की जगह धत बोल देते हैं। तो धत जो होती है वो आदत होती है, धुन होती है, लत होती है, खराब आदत आप जिसे कहते हैं। और उसके अलावा आप किसी के साथ नफरत का इजहार करते हैं, इसे आप कहते हैं कलमा नफरीन, बुरे अल्फाज में जैसे धत तेरे की। तो ये धत अलग मतलब होता है, धुत जो होता है वो नशे में चूर बदमस्त होता मैं है। अगला आगे एक और लफ्ज है जैसे पत, इसको भी जेर जबर पेश यानी कि तीनों हालतों में तीनों सूरतों में बोला और लिखा जाता है। जैसे पत, पित और पुत, तीनों का मतलब अलग अलग है। अब पत क्या है? इज्जत, आबरू, साख। पत्ता जो होता है उसकी तस्कीर के तौर पर यानी कि तख़फीफ़ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे पतझड़। खांड या गुड़ की तैयार की हुई सख्त चाशनी को भी पत कहते हैं, पंजाबी में अक्सर बोलते हैं पत। या तारबंद किवाम। अच्छा, ये लफ्ज़ भी मैं देखें, मैं खुद आता भी हूँ थोड़ी लुढ़क गया था। ये कुवाम नहीं, लफ्ज़ कुवाम बोला जाता है कि उसका शीरीनी या कुवाम तैयार कर ले, ये लफ्ज़ है किवाम, तारबंद किवाम जो अरबी का लफ्ज़ है किवाम, दुरुस्त है, कुवाम या कवाम नहीं। मुझे उसके बाद लफ्ज़ है पित, जिस्म पर गर्मी या एलर्जी के सबब जो दाने पड़ जाते हैं, सुर्ख चकत्ते, उन्हें पित्त कहा जाता है। और ये तीसरा लफ्ज़ है पुत। पुत, पुत पंजाबी में पुत्र के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और हिंदी में इसे जहन्नम या खसूसन दोज़ख, यहाँ जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर
जो लावलद होते हैं, यानी कि जो अपने वालदेन वालिद के नहीं होते, उन ऐसी औलाद उनको बुरा भला कहा जाएगा। खैर, उनका कसूर ही क्या बेचारों का। खैर, तो ये पंजाबी का लफ्ज़ है पुत्र, उसका मुखफ्फफ है, तेरे जैसे पुत्र जो मण मावा, तो पुत्र पंजाबी में बेटे को भी कहते हैं, तो ये इसका लफ्ज़ है। तो इस तरह पत, पित और पुत तीनों तरह इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत से अल्फाज आगे भी आएंगे। मैंने मतलब दुख्तरे रिज कहीं पढ़ा लिखा हुआ था, बाकायदा नीचे जेर लगी हुई थी, रिज। ये लफ्ज़ रिज नहीं है, रज है, जिसका मतलब होता है अंगूर, और अंगूर की बेल, दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। रज, दुख्तरे रज आपने सुना होगा, रस की बेटी, यानी कि ये किनाया है अंगूर की बेटी, यानी कि शराब के लिए। ये रिस नहीं है लफ्ज़, रस है। तो कश और कुश में फर्क है। हमारे यहाँ ये फर्क बहुत कम समझा जाता है और अक्सर ये गलती की जाती है कि कश का मतलब है खींचना, फैलाना, कशीदा इसी से है, बढ़ाना। और कुश जो होता है वो मारना, खत्म कर देना, कत्ल कर देना, कुश। तो ये इन दोनों में फर्क है। कई लोग कहते हैं कि उसने खुदकशी कर ली, खुदकशी नहीं की, उसने खुदकुशी की है, उसने अपने आप को मार दिया है, उसने अपने आप को खींच नहीं लिया है। इसी तरह कई लोग नस्ल कशी और नस्ल कुशी में फर्क रवा नहीं रखते। तो यहाँ दोनों उलट मानों में इस्तेमाल हो जाते हैं कि जानवरों की नस्ल कशी के लिए, जानवरों की नस्ल कुशी के लिए। नस्ल है लफ्ज, नस्ल भी नहीं होता है, लेकिन अपनी लालमी की वजह से जब आप कश को कुश बना लेते हैं, तो नस्ल कशी की बजाय नस्ल कुशी जब आप बोलते हैं, तो आप उसकी नस्ल को ख़त्म करने पर तुल जाते हैं। तुल से भी एक लफ्ज़ याद आ गया, ये भी तीनों अंदाज में, जैसे तल, तिल और तुल। ये जैसे तल है, तल जो होता है वो तले का मुखफ्फफ, मतलब मातहत, नीचे, जेर, ताबे, उसके मानों में इस्तेमाल होता है। तलछट, तलपट कर देना, ऊपर का नीचे कर देना किसी चीज़ को, तो तल यानी कि दबाव बर्बाद कर देना किसी चीज़ का, बिल्कुल इसी तरह लफ्ज़ तलछुट है। इससे भी यानी कि जो चीज़ नीचे छूट जाए, इसी लफ्ज़ से तला बना है, यानी कि जूते का तला, नीचे वाला। तो तो तल उसके से अलावा तल का मतलब सहारा या आसरा भी है, जरिया भी जरिया है, जोर भी है। और जब आप पकोड़े वगैरह कुछ भी तलते हैं, तो तलना का फेले अम्र भी बन जाता है, तल, यानी कि पकोड़े तल। दूसरा लफ्ज़ है तिल, ये भी एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन कई मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे वो एक बीज, एक किस्म का तुख्म होता है जिससे तेल निकाला जाता है, यह सफ़ेद और स्याह दोनों मिलता है। इसे लोग खाने के इस्तेमाल भी करते हैं, इसका तेल बनाते हैं, इसके तेल को इस्तेमाल किया जाता है। इन तिलों में इन तिलों में तेल नहीं, आपने यह ज़रबुल मसल तो सुनी होगी। इसके अलावा जो चेहरे बिलखसूस गाल पर जो सया निशान होता है, ये मेरे यहाँ पर भी है, मुख्तलिफ जगहों पर है, बहुत सही, ये भी तिल हैं, जिन्हें आप खाल कहते हैं। उसके अलावा अगर आप इस पर पेश लगा दें तो तुल बन जाता है, तुल जाना। उसके अलावा भी है कि बराबर होना, यकसा होना, जैसे तोलने से के तुला हुआ, तुल बैठना, तो तुल बराबर, जिसे बराबर तोला जाए। तो बहुत से अल्फाज हैं, हम जब आप देखते हैं जैसे शश, शिश और शुश, तीनों के अलग मतलब है। तो शश छे को कहते हैं, और शश दर होना, आप कहते हैं शश दर रह गया, शश दर मतलब छे दरवाज़ों वाला। क्या आप ये नहीं समझ में आ रही कि किस दरवाजे से गुजरूं, शश दर हूँ। और
शश पहलू, शश जहत, ये ज़मीन दुनिया कायनात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शश पहलू क्या होता है? ये जो क्यूब आप कहते हैं जिसके 6 साइड्स होती हैं, छक्का लूडो का जो आप कहते हैं उसके भी चूंकि 6 होते हैं, तो इस वजह से आप इसे शश पहलू कह सकते हैं। शश का मतलब तो हो गया 6। अब शीश क्या है? इसे आमतौर पर शीश का मुखफ्फस होता है, शीश नाग, नागों का देवता। और किसी को खामोश कराने के लिए भी शीश लफ्ज़ बोला जाता है, तो इसमें सौत के तौर पर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, शीश। इसी तरह शुश है, शुश भी इसमें सौत है। कुत्ते को शिकार पर आमादा करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए शुशकारा जाता है, तो शुश इसमें सौत है, यानी कि कुत्ते को कहा जाता है कि भागो। शीश होता है खामोश कराना, शुश होता है कुत्ते को तैयार कराना। तो शुशकारना और शिशकारना दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी को किसी के आमादा करने के लिए शुशकारना कहते हैं। और जब बच्चों को पेशाब वगैरह करवाया जाता है तो वो जो आवाज़ निकाली जाती है वो भी यही होता है कि चलो चलो। और शिशकारना क्या होता है? किसी को खामोश कराया जाता है, तो शिश से ही ये लफ्ज़ बने हैं। अब अगला एक और लफ्ज़ है, पल, पिल और पुल। अब पल लम्हे के लिए इस्तेमाल होता है, ये असल में पलक से बना है, पलक का की खफीफ हालत है, यानी मामूल में जिस इंसान पलक चिपकाता है वो जो लम्हा होता है वो पल कहलाता है। माहिर ने तो ये कहा है कि ये 24 सेकंड के बराबर होता है, लेकिन आमतौर पर ये पल, लम्हे, सेकेंड, सानिये के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो पल से और भी, पलने से भी पल बन जाता है, पल कर, यहाँ पल कर जवान हुआ हूँ मैं। उसके बाद है पिल, अब यहाँ पर ये पिल पढ़ना दुरुस्त है। पिल का मतलब होता है घुस कर, किसी ग्रोह में शामिल होकर, इकट्ठे होकर कोई हमला करना, किसी चीज जगह जाना, तो पिलना उसे कहते हैं। पिल पड़ना का मतलब होता है इकट्ठे होकर सबके साथ मिलकर हमला करना, तो ये पिल पड़ना दुरुस्त है। उसके बाद पुल है। अब पुल फारसी में जो वो रास्ता, जो दरिया या नहर या किसी निशेब की जगह को आपस में एक किनारे से दूसरे किनारे तक मिलाए, वो जगह, वो रास्ता जो मस्नूई तौर पर बनाया जाता है वो पुल कहलाता है। पुल सरात भी इसी से है। तो पुल अंग्रेजी का भी है, लेकिन उर्दू में पुल जो आया है वो फारसी से आया है, उस रास्ते के लिए जो दरियाओं वगैरह पर जो बांधा जाता है, जो बनाया जाता है, उसे पुल कहा जाता है। उसके बाद एक लफ्ज़ है दक और दिक, ये भी दोनों तरह इस्तेमाल होता है। दक असल में फकीरी लिबास को कहते हैं, उसके अलावा नफीस और रेशमी कपड़े को भी दक कहा जाता है। इसके अलावा दक जो है वो कूटने और किसी चीज़ को रेजा रेजा करने को भी कहते हैं। और दिक एक मरज़ है जिसमें हर वक्त बुखार रहता है, खांसी उठती है, तबीयत निढाल रहती है, और उसके जरासीम जो हैं वो रफ्ता रफ्ता फेफड़ों को बेकार कर देते हैं, जिसे आप तपदिक भी कहते हैं, जो टीबी के नाम से भी मशहूर है। और दिक का लफ्जी मतलब जो है वो है तंग आ जाना, आजिज आना, परेशान होना, मैं उसे दिक कहा हूँ, यानी कि तंग आ गया। घुटन की सी कैफियत जो होती है, जहनी अजियत तो तकलीफ में मुबतला होना, आजुर्दा होना, नाराज होना, खफा होना, ये सब इनके लिए लफ्ज़ दिक मुस्तमिल है। एक और लफ्ज़ है इसी तरह का शक, शीन और काफ, कैची वाला, वो भी कई मानों में, कहीं पर शक बोला जाता है, कहीं पर शिक बोला जाता है, तो उनके भी अपने अपने मतलब हैं। शक का मतलब जो शीन और काफ का है,
मतलब शीन जबर काफ, शगाफ दरार, टुकड़ों में तकसीम करना, शक्ल कमर रहर, शक के ये बाहर। शक्ल कमर का जो मौजा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से जो चांद दो टुकड़े हो गया तो वो शक्ल कमर कहलाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाना। शक बहर वो मौजा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जी कि सबब अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जब अपना साफ उस दरिया वाह समंदर पे मारा तो उस समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और वो अपने साथियों के साथ बीच में से गुजर गए। और जब वो फिरौन इसके पीछे आया तो वो उस पानी में डूब गया, गर्क हो गया। तो ये शब्द मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। और शिक शिक भी एक टुकड़ा और हिस्सा होता है, लेकिन वो शाख पानी वगैरह को किसी की ब्रांच आगे जो है आगे शिक कहलाती है। जैसे किसी रियासत या सूबे वगैरह का हिस्सा, इलाका, ज़िला या तहसील, तो उसमें शिक में इस्तेमाल होता है। शिक का एक लफ्ज़ समत भी है, तरफ भी है, जानिब भी, यानी कि शिक निकालना आपने सुना होगा कि वैसे तो ये मुहावरतन ऐब निकालने के मानों में इस्तेमाल होता है, या कोई नई बात कर लेना कि तुमने नई शिक निकाल ली है, तो एतराज़ करना तो शिक निकालना के मानों में इस्तेमाल होता है। शिकवार भी इस्तेमाल होता है, यानी कि तरतीब वार किसी चीज़ का। ऐसे ही जो तीन तीन माने आते हैं, जैसे ज़ेर ज़बर पेश वाले तीनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, कल भी है, कल किल और कुल तीनों मानों में इस्तेमाल होता है। अब कल जो है वो होता है कि गुजरे हुए आपको कल पता को है भी कहा कहते जाता है, हैं। और आने वाला कल भी है। इस्तलाहन माजी या कल ऐसा जमाना था, वो कल की बात थी, यानी कि ये नहीं कि कल बिल्कुल जो कल गुजरा है, बल्कि माजी की बात थी। देखा जाएगा कि कल क्या होगा, इससे मतलब ये कि मुस्तकबिल में क्या होगा। तो कल मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल होता है और माजी के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इस्तेमाल किया जाता है रोज़े रोज़े कयामत कयामत। के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और सुकून करार चैन के उसको कहीं भी कल नहीं नसीब हो रही, यानी कि उसको सुकून और चैन नहीं मिल रहा। ढब और तौर तरीके देखेंगे, ऊंटे ऊंटे तेरी सी कौन सी कल सी थी, तो ढब तरीका तौर कल मशीन के लिए भी इस्तेमाल होता है, मर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है, वज़ा कथा के लिए भी इस्तेमाल होता है, रुख के लिए भी इस्तेमाल होता है, पहलू के लिए, करवट के लिए, आदत के लिए, लज्जत याबी के लिए, लम्हे के लिए, ज़रा की ज़रा के लिए, थोड़ी देर के लिए। कल बहुत बेशुमार एक लफ्ज़ है, छोटा सा दो हरफी कल, लेकिन देखिए मानी कितने हैं इसमें। दस्ती प्रेस का पहिया जिसको घुमाया जाता है, वो मशीन का पुर्जा, उसे भी कल कहा जाता है। कल कई मानों में इस्तेमाल होता है। हिंदी में आपने सुना होगा ये कार्युग, कलयुग, कलयुग। कलयुग जो है वो चार युगों में से, चार जमानों में से आखिरी जमाना है, आखिरी युग है, जिसके ख़त्म होने पर कयामत बरपा हो जाएगी, तो कलयुग। तो उसके बाद लफ्ज़ है किल, किल ज़ेर के साथ, कोहनी का धक्का, बंद मुट्ठी का मुक्का, खोंसा उसके लिए कोड़ा इस्तेमाल होता है। और यानी कि जैसे कल है, किल है, उसी तरह कुल है। कुल तो आपको पता भी है कि तमाम सारे का सारा, कुल मिलाकर इतना हुआ, सब मिलाकर ये जोड़कर इतना मिलेगा, मिकदार जाहिर करता है ये। किसी और मृग कुल सिर्फ और फकत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, मेरा कुल सरमाया ही इतना है, यानी कि सिर्फ इतना है। तो ऐसे एक और लफ्ज़ है जो अक्सर गलत बोला जाता है, और वो है, मैंने सुना कि गोरखुन ने इतने रुपए लिए कब्र खोदने के, और कोहकुन फरहाद के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुन नहीं, यहाँ कन होना चाहिए। कन का मतलब होता है खोदना, खोदने वाला।
मरकबात में लहके के तौर पर इस्तेमाल होता है, वैसे अलग से तो मतलब नहीं लिया जाता, लेकिन जब ये लहके के तौर पर बाद में लगता है, जैसे कोह कन, गोर कन, कान कन, कान कुन नहीं, कान कन, कन टुकड़े को भी कहते हैं, रेजे रेजे को भी कहते हैं, शगुफे को भी कहते हैं, कॉम्पल कली कन रास को भी कहा जाता है। भेद किसी चीज़ में आपको पेचीदगी महसूस होती है वो भी कन है। उसके बाद लफ्ज़ है कुन, कुन का मतलब है हो जा, आपने कुरान मजीद पढ़ा है कुन फयकून, कि अल्लाह ताला ने कहा कि हो जा तो बस हो गए, तो हो जाना कुन, वजूद में आ जाना। और किन जो इस्तेमाल होता है वो तो किसकी जमा है, जैसे किसने ये काम किया, किन ने ये काम किया, यानी कि कितने लोगों ने किया, अब तो किन ने इतना तुम्हारे, ये किसकी हरकत है और किन की हरकत है, यानी कि बहुत से लोगों, जब जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है तो किन इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। इसमें मैंने सिर्फ दो हरफी अल्फाज पर बहस की है, और हो सकता है और भी कई अल्फाज हैं जो कि दो हरफी हों और गलत बोले जाते हों, लेकिन फ़िलहाल जो मेरी नज़र में थे, मुमकिन है कि और यकीनन होंगे, ये नहीं कि मेरी नज़र में सब आ गए। तो अगर आपके ख्याल में कोई ऐसा लफ्ज़ है तो आप यहाँ पर कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली दफ़ा हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें दुरुस्त कर लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नाकूस की जो अलामत है यानी कि घंटी की अलामत, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, अल्लाह हाफिज़।